सैनिक परिवार के सभी सदस्यों और देशवासियों, आज मैं सुबह ट्रिब्यून अखबार को पढ़ रहा था। पेज 2 के ऊपर सेंटर की सरकार की जो पार्टी है उसके वर्किंग प्रेसिडेंट नड्डा साहब जी, उन्होंने कल एक सर्विसमैन को रुझाते हुए चंडीगढ़ में यह बताया कि उनकी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन दे दिया हुआ है। मैं नड्डा साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि लोगों को और एक्स सर्विसमैन को जो भी वो बताएं उनके फैक्ट्स सही होने चाहिए। नड्डा साहब, वन रैंक वन पेंशन कॉन्सेप्ट बीजेपी सरकार ने एक्सेप्ट तो किया, लेकिन इंप्लीमेंटेशन करते हुए बहुत सी त्रुटियां छोड़ दी। अब जो लागू हुआ है वो वन रैंक वन पेंशन नहीं है, वो केवल वन टाइम बढ़ोती है। इसीलिए हम सरकार से लगातार गुजारिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से, कि वो इन त्रुटियों को दूर करके असली वाली वन रैंक वन पेंशन दें। 1600 दिन होने वाले हैं आंदोलन चलते हुए एक्स सर्विसमैन का पूरी देश भर में, लेकिन अभी तक सरकार ने असली वाली वन रैंक वन पेंशन नहीं दी और ना ही उन त्रुटियों को दूर किया है। नड्डा साहब, हम रंजिश में सुप्रीम कोर्ट में भी गए और 1 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये ऑर्डर दिए थे कि वो इन त्रुटियों को कंसिडर करें और दूर करने के लिए जितना कर सकते हैं उसको करें। अगली हेयरिंग 6 अगस्त को थी, लेकिन वो अभी तक हेयरिंग नहीं हुई क्योंकि हमारे जज साहब राम मंदिर के केस में चले गए। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट हमारी हेयरिंग करके हमें इंसाफ दे। नड्डा साहब, आज हम सब एक सर्विसमैन प्रधानमंत्री जी से और रक्षा मंत्री से उम्मीद करते हैं कि वो असली वाली वन रैंक वन पेंशन देकर अपना वायदा पूरा करें, जो रेवाड़ी में 15 सितंबर 2013 को उस वक्त के प्रधानमंत्री नॉमिनी और आज के प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया। सरकार बन गई, हमने सपोर्ट किया, लेकिन असली वाली वन रैंक वन पेंशन अभी तक लागू नहीं हुई। नड्डा साहब, एक सिपाही जो 15 से 17 साल नौकरी करके आता है आज, और ओआरओपी वाला तकरीबन 5000 रुपए का अंतर है। ओआरओपी वाले को कम मिल रही है और आज ज्यादा मिल रही है। इसी तरह ऑफिसर्स को भी आज ज्यादा मिल रही है 10000 रुपया, और ओआरओपी का तकरीबन दैट मच हर रैंक के लिए कम है। मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल में तो बहुत अंतर है और मेजर्स के साथ तो बहुत अन्याय हो रहा है। दूसरी बात, जो हमारे जेएसयू साहबान है, सबसे ज्यादा बेइंसाफी उनके साथ हो रही है। कुछ सालों के बाद पेंशन और पे बढ़ती हैं, लेकिन जेएसयू के केस में जो आज जेएसयू रिटायर हुए वो बाबू ने उल्टा कर दिया। कैसे कर दिया हमें समझ नहीं आती कि आज के जेएसयू को और ओआरओपी के जेएसयू को, ओआरओपी के जेएसयू को 5000 6000 रुपया ज्यादा मिल रहा है और आज जेएसयू साहबान को 5 से 6000 कम मिल रहा है। इन सभी बातों के ऊपर हमें समझ नहीं आती, क्योंकि वन रैंक वन पेंशन की परिभाषा, नड्डा साहब आपको मालूम होनी है, उसके दो भाग हैं। एक रैंक, एक जैसी टोटल सर्विस और एक ही पेंशन होनी चाहिए रिटायरमेंट कभी भी हो, और दूसरा
जब जब दर बदलेगी पे की या पेंशन की, तो वो दर सभी पिछड़े वालों को पास कर दी जाएगी। नड्डा साहब, ये नहीं हुआ, ये फर्क है। सीजीडीए साहब ने पता नहीं क्या रक्षा मंत्री जी को अप्रैल के महीने में ब्रीफिंग करके बोल दिया कि आज वालों को तो ज्यादा मिल रहा है और आज वालों को कम मिल रहा है और ओआरओपी का ज्यादा है, इसलिए इक्वलाइजेशन की जरूरत नहीं। अरे सरकार का अपना ऑर्डर था कि वो 5 साल के बाद इक्वलाइज करेंगे, हम तो उसको नहीं मानते। हम तो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि वो जब जब दर बदलेगी, जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक दीजिए, और दर हर साल बदली होती है तो हमारी तरफ से तो हर साल इक्वलाइजेशन होना चाहिए। नड्डा साहब, एक्स सर्विसमैन को और देशवासियों को फैक्चुअल पोजीशन दीजिए, हम आपको दिल तह से गुजारिश करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप सरकार में जो आज पार्टी है उसके आप वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, आप सरकार से भी गुजारिश करें। प्रधानमंत्री से हमारी गुजारिश है, रक्षा मंत्री से गुजारिश है कि असली वाली वन रैंक वन पेंशन दीजिए और एक्स सर्विसमैन का वेलफेयर जो आपके मन में भी है और आप कहते भी हैं लेकिन ग्राउंड पे उसमें कमियां हैं, उसको पूरा करें। जय हिंद, जय भारत।